हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा एंड यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं इडियम एंड फ्रेजेस को। तो 21 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम देखते हैं 22 लेक्चर में सबसे पहले वाला देखेंगे। गिवन है कि इन वोग यानी इन फैशन, इसका अर्थ हो जाएगा इन फैशन। नेक्स्ट है थ्री आर्स। थ्री आर्स होते हैं रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। मेटिक। अगला है ए वाइल्ड गूज चेज, इसका होगा फुलिश एंड यूजलेस एंटरप्राइज। अगला है टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल, इसका होगा टू सीज टू स्ट्राइव फॉर फर्दर ग्लोरी। अगला है रो डील, इसका होगा अनजस्ट ट्रीटमेंट। अगला है ए फोरलॉर्न होप, इसका होगा ए प्लान विच हैज रिमोट चांसेस ऑफ सक्सेस। अगला है प्रिंटर्स डेविल, ये हो जाएगा एन अप्रेंटाइज इन ए प्रिंटिंग ऑफिस। अगला है टू कॉल ऑन द कारपेट, तो इसका हो जाएगा टू समन फॉर स्कॉल्डिंग। अगला है टू ब्रिंग द हाउस डाउन, इसका यहाँ पे हो जाएगा टू अपील ग्रेटली टू द ऑडियंस, तो इसका हो गया टू अपील ग्रेटली टू द ऑडियंस। अगला है टू हैव एन एज ऑन, इसका अर्थ हो जाएगा टू बी स्लाइटली बेटर देन। अगला है टू से क्लोथ एंड एशेज, यानी इन स्टेट ऑफ ग्रेट मॉर्निंग, शोक जो बोलते हैं शोक की दशा में, इन ए स्टेट ऑफ ग्रेट यानी काफी दुख संताप की घड़ी। अगला है टू वीदर द स्टॉर्म, इसका यहाँ पे हो जाएगा टू सर्वाइव ए क्राइसिस। अगला है टू पुट टू एंड टू टुगेदर, यानी टू कंक्लूड कीपिंग इन व्यू द मेरिट एंड डीमेरिट्स, तो इसका हो गया टू कंक्लूड कीपिंग इन व्यू द मेरिट एंड डीमेरिट्स। अगला है लंप इन द थ्रोट, इसका हो जाएगा ए हाईली इमोशनल स्टेट। अगला है टू फाइट शाई ऑफ, इसका हो जाएगा टू कीप अलूफ फ्रॉम। अगला है होब्सन चॉइस का होगा ऑप्शन ऑफ टेकिंग द वन ऑफर्ड और नथिंग, तो ये हो गया ऑप्शन ऑफ टेकिंग द वन ऑफर्ड और नथिंग। अगला गिवन है टू हिट इट ऑफ, यानी टू एग्री और बी कॉन्जेनियल। अगला है टू वाइट वॉश, यानी कि टू रिट्राइव डैमेज्ड रेपुटेशन। अगला है विद इन एन एस ऑफ, इसका हो जाएगा वेरी क्लोज। टू कीप एन ओपन माइंड, इसका हो जाएगा टू कम टू नो डिसीजन ऑन ए सब्जेक्ट अंटिल वन नोज ऑल द फैक्ट्स, तो ये हो गया टू कम टू नो डिसीजन ऑन ए सब्जेक्ट अंटिल वन नोज ऑल द फैक्ट्स। अगला है ओपन क्वेश्चन जिसके मल्टीपल आंसर हो, तो होगा ए क्वेश्चन विदाउट एनी जनरली एग्रीड आंसर, होगा ए क्वेश्चन विदाउट एनी जनरली एग्रीड आंसर। इसके आगे है ऑन वंस मेटल, इसका अर्थ हो जाएगा रोज्ड टू डू वंस बेस्ट।
अगला है टू कीप द पॉट बॉइलिंग, इसका मतलब है टू मेंटेन इंटरेस्ट। अगला है ग्रिस्ट टू वंस मील, इसका होगा यूजफुल फॉर वंस पर्पज, यूजफुल फॉर वंस पर्पज। अगला है कंगारू कोर्ट, इसका हो जाएगा टू इंगेज, टू इंगेज इन आइडल और एमलेस डे ड्रीमिंग, एमलेस डे ड्रीमिंग। अगला है वुल गैदरिंग, वुल गैदरिंग का यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, कंगारू कोर्ट जो है इसका तो होगा अनऑफिशियल, अनऑफिशियल रिपोर्ट, अनऑफिशियल कोर्ट को बोलते हैं कंगारू कोर्ट। और वुल गैदरिंग का होता है टू इंगेज इन आइडल और एमलेस डे ड्रीमिंग। अगला है बिटवीन साइला एंड चेरी बडीज, तो इसका हो जाएगा बिटवीन टू डेंजर्स। अगला है अकील हिल्स यानी वंस वुलनरेबल और ससेप्टिबल स्पॉट। अगला है टू नो विच साइड द ब्रेड इज बटर्ड ऑन, तो यानी इसका हो जाएगा टू नो वेयर वंस इंटरेस्ट लाइज। अगला है टू एक आउट, इसका मतलब होता है टू सप्लीमेंट। अगला है टू बी इन द डोल्ड्रम्स, इसका मतलब है टू बी इन लो स्प्रिट्स, टू बी इन लो स्प्रिट्स। अगला है वाइल्ड कैट स्ट्राइक, इसका होगा स्ट्राइक नॉट अप्रूव्ड बाय द ट्रेड यूनियन, स्ट्राइक नॉट अप्रूव्ड बाय द ट्रेड यूनियन। अगला है ब्लाइंड एले, इसका मतलब होता है अनप्रॉफिटेबल एक्शन, योगा अनप्रॉफिटेबल एक्शन। नेक्स्ट है टाइड टू द एप्रन स्ट्रिंग्स ऑफ, इसका होगा टू बी डोमिनेटेड बाय, टू बी डोमिनेटेड नेटेड बाई। अगला है विद इन ए स्टोन्स थ्रो, इसका हो जाएगा ए एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट है टू होल्ड समवन इन लीस, इसका मतलब होगा टू रिस्ट्रेन। अगला है टू कूल वंस हील्स, यानी इसका जो है वो हो जाएगा टू बी कैप्ट वेटिंग फॉर समवन, वेटिंग फॉर समवन, समवन नहीं समटाइम। अगला है बैग ऑफ बोन्स, इसका हो जाएगा एन एक्सट्रीमली extremely weak person। अगला है all moonshine, इसका हो जाएगा far from reality, far from reality। अगला है
टू शेक द डस्ट ऑफ वंस फीट, इसका मतलब है टू लिव ए प्लेस विद ए सेंस ऑफ रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट। अगला है ऑफ हैंड, ऑफ हैंड का होगा विदाउट, विदाउट प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। अगला है ए बर्ड ऑफ पैसेज, इसका हो जाएगा वन हु स्टेज, ए वाई है ये, स्टेज फॉर ए शॉर्ट टाइम। अगला है काउंट ऑन, इसका हो जाएगा डिपेंड ऑन, काउंट का हो जाएगा डिपेंड ऑन। अगला है विद इन ए स्ट्रिंग, इसका अर्थ हो जाएगा गिफ्ट और एड विद कंडीशन, कंडीशन। अगला है टू सेट स्टोर्स बाय, इसका हो जाएगा टू वैल्यू हाईली, अगला है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, इसका हो जाएगा टू एग्जरेट यानी बड़ा चढ़ा के बात बोलना, अगला है फायरिक विक्ट्री, इसका हो जाएगा विक्ट्री एट हाई कॉस्ट, विक्ट्री एट हाई कॉस्ट। अगला है इन द स्विम, इन द स्विम का हो जाएगा नोइंग लेटेस्ट करंट थिंग्स, थिंग्स। इससे आगे है टू नकल अंडर, ये होगा टू सबमिट, लास्ट है टू हैव ए डिग एट, इसका हो जाएगा टू क्रिटिसाइज समवन, टू क्रिटिसाइज समवन। तो ये हमने आज कंप्लीट किए हैं 50 idiom and phrases, आई होप इससे आपकी हेल्प होगी। स्टार्टिंग में ये लगेंगे डिफ़िकल्ट लर्न करने में, लेकिन जब आप एक दो बार इनको देख लेंगे उसके बाद आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। ज़्यादातर तो जो होते हैं इसमें आप जो क्वेश्चन गिवन है उसी से ही आप अंदाज़ा लगा पाते हैं इजीली, लेकिन कुछ हैं जो स्पेसिफिक हैं उनके लिए आपको टाइम चाहिए। तो आप इनको रिवाइज करते रहिए एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।